गुरुवार को खरगोन के वैक्सीन सेंटरों पर सुबह से ही भीड़ दिखाई दी, जिसमें वैक्सीन के लिए महिला पुरुष भीड़ से जद्दोजहद करते दिखाई दिए। बता दें, कोरोना महामारी निपटने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर धड़ल्ले से अभियान के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के चलते गुरुवार को टीकाकरण केंद्रों पर लंबी चौड़ी कतारें दिखाई दी। इस दौरान एक साथ भीड़ इकट्ठा होने से अव्यवस्थाएं भी दिखी, लेकिन टोकन व्यवस्था की कमी साफ तौर पर खल रही थी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए टारगेट है हमारा 500 लोग हो भी जाएंगे पूरे, और सारे ब्लॉक में हमने दिया है। हमारे कोविशील्ड चल रहा है, कोवैक्सीन भी आज हम लोग सेकंड डोज ला रहे हैं। जैसे शासन ने हमको आदेश दिए है, उस शासन के आदेश के अनुसार हमारे कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग वो ये सभी आज दे रहे हैं, 500 पूरी उनको भी मिले हैं। खरगोन यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। सर, अव्यवस्था ज़्यादा है। अव्यवस्था इसलिए ज़्यादा है कि देखिए, अब जागरूकता ज़्यादा हुई है, अब सारे लोग आना चालू कर रहे हैं। पहले उनको भी दिया था, अपने मीडिया में भी दिया था, आपने भी इतना, आपके सहयोग से भी आपने पूरा प्रचार प्रसार किया था। उसके बावजूद भी अब जब ये पूरा प्रचार प्रसार हो रहा, सारे विभाग आए हैं, तो ये भीड़ होना तो स्वाभाविक है, पर हम सभी को लगाएंगे और सभी को संतुष्ट भी करेंगे। सर, टोकन व्यवस्था रखना थी? बिल्कुल, टोकन व्यवस्था रखना थी, पर जैसे हमारे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर वाला, उसमें थोड़ी मिस्टेक आई थी, तो इसलिए हमने थोड़ा लेट चालू किया था इसको, तो हम कर देंगे। 5 बजे तक हमारा टाइम रहता। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज लगे? सेकंड डोज दोनों लगेंगे, कोविशील्ड भी लग रहा है और कोवैक्सीन भी लग रहा है। सारी व्यवस्था हमने कर दी है। क्या नाम सर आप? डॉक्टर संजय भट्ट, DIO, जिला टीकाकरण अधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।